फ्रेंड्स, सो आज हम खड़े हैं मैथिली पार्क के इस पेज के फ्लैट के सामने। दिस साइट इज अबाउट टू फिनिश, दिस इज नॉट येट फिनिश, वी हैव नॉट येट गिवन द हैंड ओवर, बट ये द फाइनल पेंटिंग का स्टेज चालू है। तो आज मैं यहाँ पे आई थी तो आई थॉट आई जस्ट टेक यू अराउंड एंड शो यू लिटिल डिटेल्स अबाउट वॉट वी हैव थॉट, वॉट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस फ्लैट। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लैट है ये एक एजेड कपल के लिए है। तो जो मेन ब्रीफ हमें दिया गया था वो ये था कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सो बेसिक मिनिमम कॉस्ट में उनको करना था। बट ऑलवेज एज एवरीवन वांट्स, दे वांटेड द फ्लैट टू लुक वेरी एलिगेंट। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव नॉट यूज्ड मच पैनलिंग, द पैनलिंग वॉज यूज्ड मिनिमम, बट वी हैव डिज़ाइन द हाउस इन सच अ वे दैट we will get the desired effect with the help of wallpapers and rooms and mirrors. So the flat जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्लैट की साइज़ छोटी है। स्टार्ट विद द एंट्रेंस लॉबी। सो ये मैथिली पार्क का एक एंट्रेंस लॉबी है, यहाँ पे इनको ये स्पेसिफिकली दिस एरिया इज गिवन टू देम, सो फ्रॉम हेयर दे कैन स्टार्ट। यहाँ पे वी हैव गिवन द स्पेस फॉर द नेम प्लेट। यहाँ पे एक मेन चैलेंज ये था कि बिल्डर ने ऑलरेडी हमें इस टाइप का पूरा पाइप्स का पैनलिंग या पाइप्स का पूरा ऐसा डिटेल दिया गया था। तो व्हाट वी हैव डन इज यहाँ पे जस्ट प्लाई का पैनलिंग करके हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाया है, एक छोटा सा शू यूनिट हमने किया है इसमें। दीज आर प्योर फ्लूटेड पैनल्स, तो हमने अंदर भी थोड़े कुछ फ्लूटेड पैनल्स यूज़ किए हैं, वही थोड़ा उसी का इफेक्ट यहाँ पे लाने के लिए वी हैव गिवन वेरी फ्यू फ्लूटेड पैनल्स हियर। एंड ये जो स्पेस है इसमें यहाँ पे हमने वॉलपेपर प्रपोज किया है। नाउ यू जस्ट सी द दिस नाउ, एंड ये जो है, ये जो व्यू आप देख रहे हो, ये व्यू में द इफेक्ट विल बी लाइक दिस, जो हमने व्यू में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक नाउ। तो ये मेन डोर है, मेन डोर में हमने ज़्यादा कुछ किया है जैसे प्लांट का रिक्वायरमेंट था। हमने यहाँ पे जस्ट एक मिरर पैनलिंग दिया है, ये यहाँ पे ये टी पट्टी दिया है, एंड वी हैव चेंज द लैमिनेट। सो अगर आप यहाँ पे आओगे तो दिस हॉल, इफ यू सी हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा अगेन आप प्रॉपरी यूनिट कम उनका छोटा सा एक बार के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया है। एंड यहाँ पे जो है ये सोफा आएगा, दिस इज अ हैंगिंग लाइटर, एंड ओवरऑल डिजाइन बिहाइंड द सोफा इज मेनली विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स एंड मिरर। इसका व्यू जो है वो व्यू इस कुछ इस टाइप में आएगा। ये रूम का ओवरऑल अगर साइज आप देखोगे तो ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइज इज अराउंड 14 feet by 10 feet। इसमें हमें डाइनिंग एंड सोफा ये सब चीज़ें देनी थी, तो एक छोटा सा एक 4-seater डाइनिंग विच इज गिवन हियर, एंड इसके ऊपर हैंगिंग लाइट इज गिवन। द सीलिंग इज ऑल्सो गिवन बाय द बिल्डर, सो वी हैव जस्ट कट द एजेस एंड गिवन अ इफेक्ट ऑफ अ फ्लोटिंग लाइट। एंड जस्ट जगह है, दिस इज अ टीवी यूनिट। ये टीवी यूनिट में अगेन हियर द डिजाइन इज मेनली विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लोटेड पैनल्स, एंड इफ यू जस्ट पुट दिस वॉलपेपर, अ नाइस वॉलपेपर हियर, यू कैन सी इन द व्यू की लुक कैसे चेंज होगा। तो ये छोटा सा यहाँ पे हमने एक टीवी यूनिट बनाया है, इधर फ्यू क्रिकेट पैनल्स एंड द की बटन। तो ओवरऑल जो क्लाइंट का ब्रीफ था वो क्लाइंट के ब्रीफ के हिसाब से हमने ज़्यादा पैनलिंग, ज़्यादा हेवी वर्क, सेकेंडली द हाउस इज़ वेरी स्मॉल, तो उसमें आप जितना हेवी पैनलिंग करोगे वो और भी छोटा लगेगा। तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया। हाँ, जो कलर्स भी हमने यूज़ किए हैं, इंग्लिश कलर्स हमने यूज़ किया है, एंड जो सोफा हम बना के दे रहे हैं, तो जो भी सोफ़ा हम यहाँ पे, जो आप ये व्यू में देख सकते हो, तो सोफ़ा हमने थोड़ा ब्राइट कलर का लिया है। तो ओवरऑल विद दिस हेल्प द लिविंग रूम विल, दो इट इज़ वेरी स्मॉल लिविंग रूम, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्राइट, एंड दिस इज़ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल किचन एरिया एज यू कैन सी। दिस इज़ नॉट येट डन, हैंड ओवर विल बी डन इन 2 days, बट ऑलमोस्ट पेंटिंग इज़ डन। तो यहाँ पे हमने अगेन थोड़ा ब्राइटर शेड यूज़ किया है, ये पूरा दीज आर ऑल लैमिनेट्स विथ ब्लैक जी सेक्शन चैनल्स, तो ये एक्वा ब्लू लैमिनेट हमने यूज़ किया है, एंड द सेम कलर इज़ रिपीटेड इन सोफ़ा। तो आप हमने जो सोफ़ा का कलर यूज़ किया है वो भी सेम ही एक्वा मरीन कलर में किया है, तो इट विल फ्लो, द लिविंग रूम एंड द किचन विल बी कनेक्टेड इन कलर।
नाउ यहाँ पे जो है आप देखोगे तो दिस इज द स्पेस गिवन फॉर द माइक्रोवेव एंड यहाँ पे कुछ फ्लूटेड ग्लास हमने यूज किया है एंड छोटा सा स्पेस उनके मंदिर के लिए दिया गया है. तो मंदिर एज एज यू सी एकदम मॉडर्न इफेक्ट दिया है. तो हमने इसमें मंदिर में सामने ही थोड़ा सा फ्रॉस्टेड ग्लास में कुछ डिज़ाइन बनाया है एंड ये चिमनी एंड बस लिटिल जो नेसेसरी कुछ एक्सेसरीज है जैसे पुल आउट ड्रॉवर यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है. देन यू सी दिस इज कटलरी कप सॉसर एंड कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स वो सब हमने दिए हैं. ऑल द टैंडर यूनिट्स वॉट एवर वी हैव गिवन एवरीथिंग इज सॉफ्ट क्लोज दैट्स व्हाट वी डू. द प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स हम मुंबई में रहते हैं. बॉम्बे में सबसे ज़्यादा सबका रिक्वायरमेंट क्या होता है स्टोरेज. तो ये स्टोरेज कैसे निकाले एवरीवेयर आई गेट दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगेन द सेम सिचुएशन इज देयर. तो टू बेडरूम छोटा सा टू बेडरूम और वन किचन का छोटा सा प्लान है. यहाँ पे उनको सूटकेसेस रखने के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज रखने के लिए स्पेस चाहिएगा. तो हमने एक स्पेस कुछ इस तरीके से निकाला था. अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ टॉयलेट रूम. वन बेडरूम एक गेस्ट बेडरूम का घर है. दिस इज योर बोर्ड वॉज अ मास्टर बेडरूम. तो यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पेस हमें मिल रहा था. तो वी हैव जस्ट एनक्लोज द स्पेस एंड गिवन द वुडन सीलिंग. एंड ये वुडन सीलिंग में क्या किया है यहाँ पे एक छोटा सा लॉफ्ट निकाला है. लॉफ्ट भी हमने कुछ इस तरीके से निकाला है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक की होल दिख रहा है. दिस इज अ ट्रैप डोर एंड ये लॉफ्ट का डोर है. दिस कम्स डाउन एंड दोनों साइड में आप स्टोरेज आपका रख सकते हो. जो भी आपके सूटकेसेस हैं एक्स्ट्रा का सामान है वो सब आप यहाँ पे दोनों साइड पर रख सकते हो. एंड ओवरऑल लुक एंड फील अगर आप देखो तो ये ऐसे आई गिव दिस काइंड ऑफ अ लॉक स्टोरेज इन एनी पैसेज. तो ये कुछ क्रैम्प्ड नहीं लगता है. इनफैक्ट इट इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दैट पैसेज. सो दिस इज द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम इज अगेन यहाँ पे इसका व्यू मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये व्यू इसका कुछ इस तरीके से रहेगा. जैसे आपने व्यू में देखा मेन थीम जो है वो ब्लू शेड में है एंड ये जो है अगेन दिस इज द मेन वॉल विच इज अ उत्तर वॉल. तो यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन किया है ये पूरी तरीके से ग्रूव्स पे ही है. ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये स्पेस में एक हेडबोर्ड आएगा. वो हमारा अभी बन के रेडी है. वो कुछ ही दिन में या कल या परसों में ही यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद में फाइनल वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. एंड इसमें एक चीज़ हमने किया है कि एवरीवेयर वी गेट द कंप्लेंट कि जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होते हैं वो लगते हैं. सो वी हैव पर्पसली सिंस दे आर एजेड पीपल तो पर्पसली हमने क्या किया है जो बेस है उसके कॉर्नर्स सारे राउंड किए हैं. तो ये सारे कॉर्नर्स एवरीवेयर तो कॉर्नर्स आर राउंड कॉर्नर्स. अगेन एवरीथिंग इज इन लैमिनेट्स ओनली. कर्टन्स अभी बाकी हैं. कर्टन्स मैट्रेसेस ऑल दोस थिंग्स आर गेट रिमेन. ये जो दीवार आप देख रहे हो यहाँ पे खुला वॉलपेपर आएगा एंड जस्ट अ प्लेस फॉर अ टीवी पैनल. दिस इज द ड्रेसिंग एरिया. तो उसमें उनको ओबियसली ज़्यादा कुछ स्टोरेज चाहिए नहीं था. तो हमने जस्ट उसको प्लेन मिरर को थोड़ा सा शेप देके एक ड्रेसर निकाला है. एंड दिस इज अ स्लाइडिंग वॉर्डरोब भी है. तो ये स्लाइडिंग वॉर्डरोब में अगेन दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैमिनेट्स ओनली. एक थोड़ा सा ब्लू जो हमारा थीम है वो ब्लू और ब्लू के साथ में वुडन का कॉम्बिनेशन किया है. एंड दिस डिज़ाइन इज विद द हेल्प ऑफ टी पट्टी. तो टी पट्टी का हमने ऐसा एक प्यारा सा हमने डिज़ाइन बनाया है. दिस इज द स्लाइडिंग वॉर्डरोब. ये कुछ पेंटर का सामान रखा हुआ है जस्ट इग्नोर दैट. एंड ये जो है ये पूरा सॉफ्ट क्लोज चैनल्स हमने दिए हैं दोनों साइड में. इधर सॉफ्ट क्लोज चैनल्स बाथरूम इतना मत लेना ऐसा फटाफट जस्ट ऐसे ले लेना. एंड फाइनली दिस इज अदर स्मॉल बेडरूम. सो ये जो है ये उनका गेस्ट बेडरूम. तो गेस्ट बेडरूम का भी हमने दरवाज़ा चेंज किया है. एंड यू सी हियर यहाँ पे हमने सोफा का बेड प्रपोज किया है. वो बन के आ रहा है अभी. एंड दिस इज द पोर्टल बोर्ड. अगेन एज पर आवर कॉन्सेप्ट इन्हें बहुत ज़्यादा पैनलिंग कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है. यहाँ पे ये जस्ट एक ग्रुप्स का ही डिज़ाइन है.
तो ये लैमिनेट का पट्टी और ग्रू इसका इसी से ये वॉल को हमने पूरा थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है। और ये अंदर का जो वॉल कलर है वही वॉल कलर का डार्क शेड जो हम जो है वो हमने यहाँ पे दिया है एंड उसी का लाइट शेड यहाँ पे आया है। एंड दिस इज अ स्मॉल वॉर्डरोब विच वी हैव गिवन दिस अगेन एज दिस इज अ गेस्ट बेडरूम तो सेपरेट जैसा था उनका रिक्वायरमेंट उस स्थान को हमने इसी पे एक मिरर दे दिया है। दिस इज अ स्टोन फिनिश लैमिनेट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लैमिनेट एंड इट्स गोइंग वेरी वेल विद दिस वुडन शेड। तो रेगुलर जो वॉर्डरोब का डिटेल होता है वही वॉर्डरोब का डिटेल दिया गया है। दूसरा जो साइड है ये वाला यहाँ पे पूरा वॉलपेपर आएगा कुछ इस टाइप में हमारा फाइनल लुक एंड फील जो है वो जो व्यू आप देख रहे हो ये व्यू के हिसाब से यहाँ पे ये फाइनल लुक एंड फील आएगा। ये कल परसों में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। एंड देन अगेन यहाँ पे दिस इज अ स्मॉल फोल्डिंग टेबल गिवन हियर तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी जरूरत पड़ी तो दे वांटेड टू हैव अ स्मॉल टेबल सो वी हैव सजेस्टेड टू गिव देम अ फोल्डिंग टेबल सो अ फोल्डिंग टेबल इज गिवन हियर। सो फ्रेंड दिस इज हाउ अ स्मॉल 2 BHK हैज बीन डिजाइन